वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप टाटा का ही लोडर या पिकअप खरीदने जा रहे हैं और आप टाटा योद्धा 2.0 या टाटा इंट्रा V50 में से कोई एक चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे दोनों में असली फ़र्क, दोनों के फीचर्स में और प्राइस में कितना फ़र्क है और कौन सी गाड़ी बेस्ट है, ये बताने वाले हैं इस वीडियो में। हालांकि दोस्तों, दोनों ही गाड़ी टाटा की ही है मगर दोनों में बहुत फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों में फ़र्क यानी कि डिफरेंस की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो डिफरेंस में सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो टाटा योद्धा 2.0 का 2200 सीसी का इंजन होगा जबकि टाटा इंट्रा V50 का 1496 सीसी का इंजन होगा। पावर की बात की जाए तो टाटा योद्धा 2.0 में 100 एचपी 3750 आरपीएम पावर मिल जाती है जबकि इंट्रा V50 में 79 एचपी और 4000 आरपीएम मिल जाता है। पेलोड की बात करें तो योद्धा 2.0 2000 केजी पेलोड होगा और टाटा इंट्रा V50 का 1500 केजी पेलोड होगा। बॉडी साइज की बात की जाए तो योद्धा 2.0 8.7x6 फीट का होगा, वहीं टाटा इंट्रा V50 9.8x5.3 फीट का होगा। योद्धा 2.0 में 3 साल की वारंटी मिल जाती है जबकि इंट्रा V50 में 2 साल की वारंटी मिलती है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो योद्धा 2.0 में गियर शिफ्टिंग एडवाइजर मिल जाता है, इंट्रा V50 में गियर शिफ्टिंग एडवाइजर के साथ फ्यूल इकोनॉमी स्विच मिल जाता है। इंजन टाइप की बात की जाए तो योद्धा 2.0 का टर्बोचार्ज इंटरकूल इंजन है जबकि इंट्रा V50 का DI इंजन है। मैक्स टॉर्क की बात की जाए तो योद्धा 2.0 का 250 Nm मैक्स टॉर्क होगा जबकि इंट्रा V50 का 220 Nm मैक्स टॉर्क होगा। ग्रेड एबिलिटी की बात की जाए तो योद्धा 2.0 की 30% होगी जबकि इंट्रा V50 की 35% होगी। फ्यूल टैंक की बात की जाए योद्धा 2.0 में 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जबकि इंट्रा V50 में 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो टाटा योद्धा 2.0 में ड्राइवर के साथ 2 लोगों के बैठने की सीट मिल जाती है जबकि इंट्रा V50 में ड्राइवर के साथ 1 सीट मिलती है जिसको हम बाद में स्लीपिंग सीट भी बना सकते हैं। बात करते हैं योद्धा 2.0 के फ्रंट सस्पेंशन की, जो होगा सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग जबकि इंट्रा V50 का होगा पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो दोनों का सेम होगा, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग। करते हैं दोनों के बॉडी डाइमेंशंस की। अगर व्हील बेस की बात की जाए तो योद्धा 2.0 का व्हील बेस होगा 3150 mm जबकि इंट्रा V50 का होगा 2600 mm। ग्राउंड क्लियरेंस योद्धा 2.0 का होगा 210 mm जबकि इंट्रा V50 का होगा 175 mm। ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो योद्धा 2.0 5350 mm होगी इसकी ओवरऑल लेंथ जबकि इंट्रा V50 की होगी 4734 mm। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के ब्रेक्स की। योद्धा 2.0 का रियर ब्रेक होगा ड्रम, इंट्रा V50 का होगा हाइड्रोलिक ड्रम। योद्धा 2.0 का फ्रंट ब्रेक होगा डिस्क जबकि इंट्रा V50 का होगा हाइड्रोलिक ड्रम। बात की जाए एसी की तो योद्धा 2.0 में आपको एसी मिल जाता है जबकि इंट्रा V50 में एसी नहीं मिलेगा। तो बात हो गई डिफरेंस की, अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज की यानी कि समानताओं की। अगर गियर की बात करें तो योद्धा 2.0 और इंट्रा V50 में दोनों में 5 फॉरवर्ड गियर मिलेंगे और 1 रिवर्स गियर मिलेगा। अगर स्पीड की बात की जाए तो दोनों की सेम स्पीड है 80, दोनों ही BS6 हैं, दोनों ही डीजल वर्जन में हैं। और बात करते हैं ड्राइवर सीट की तो दोनों की सेम सीट है, स्टैंडर्ड सीट मिलेगी हाई हीट रेस्ट के साथ। दोनों में ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, मैगजीन होल्डर मिल जाता है दोनों में, रिवर्स गियर बजर दोनों में मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बीच सबसे बड़े फर्क यानी कि एक्स शोरूम प्राइस की, जहां टाटा योद्धा 2.0 का एक्स शोरूम प्राइस होगा लगभग 9,99,000 रुपये, वहीं टाटा इंट्रा V50 का एक्स शोरूम प्राइस होगा लगभग 8,67,000 रुपये। तो दोनों के प्राइस में लगभग 1 लाख से ऊपर का फर्क देखने को मिल जाता है। तो ये बात हो गई दोनों गाड़ियों के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंस की। बात करें कि कौन सी बेस्ट है तो टाटा योद्धा पावर में, इंजन सीसी में और फीचर्स में इंट्रा V50 से ज़्यादा है, वहीं टाटा इंट्रा V50 टाटा योद्धा से साइज में बड़ा हो जाता है। तो अगर कीमत और फीचर्स को देखा जाए तो टाटा योद्धा 2.0 बेस्ट रहेगा, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और गाड़ी ड्राइव करते वक्त ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें।